सबसे पहले तो मैं बहुत मशहूर हूँ झीलम वैली के ऑर्गेनाइजर का, जिन टीम मेंबर्स ने ये सारा अरेंज किया, जिसकी जितनी भी इसके अंदर स्ट्रगल लगी, जिसने जितना भी इसमें पार्टिसिपेट किया, वो तमाम दोस्त मेहमान हमारे सीनियर्स हमारे जूनियर्स बेहद जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशन के हकदार हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी एफर्ट के बगैर कुछ भी ये सारा कुछ पॉसिबल नहीं था। उसके बाद दूसरी चीज़, हमारा पाकिस्तान से आकर यहाँ पे इस इवेंट को अटेंड करना, इसके लिए अपना वक्त निकालना इसलिए ज़रूरी था कि हम आपको पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। किसी भी लेवल पे किसी भी जगह पे अपने कश्मीरी भाइयों को भूल देनी है, हम हर जगह पे हर लम्हे में उनके साथ बराबर के शरीक हैं। सेकेंडली, मैं एक छोटा सा अपना स्टूडेंट लाइफ का एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं सेवन्थ क्लास का स्टूडेंट था, हमारे प्रिंसिपल आए, उन्होंने ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक गिलास बनाया, पानी का गिलास बनाया, ड्रा करने के बाद उन्होंने हाफ उसको फिल कर दिया पानी के साथ, चाक के साथ। और उन्होंने हमारे 37 रूम का क्लासरूम का उन्होंने पूछा कि क्या, सब बच्चों से अलग अलग उन्होंने पूछा कि क्या ये गिलास भरा हुआ है, आधा गिलास भरा हुआ है या आधा खाली है। कुछ मेंबरान ने जवाब दिया कि जी आधा गिलास खाली है, कुछ मेंबरान ने जवाब दिया कि आधा गिलास भरा हुआ है, लेकिन इन एक्चुअल दोनों बातें ठीक थी। अब जो प्रिंसिपल साहब का जो बात कन्वे करने का मकसद था वो ये था कि हमें इसको जो लाइफ है ना, लाइफ का हर स्टेप किसी भी जगह पे, आप चाइल्डहुड पे हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में, एक्स वाई जी, आप जिंदगी के किसी भी मरहले के अंदर हैं, तो आपका जिंदगी का हर लम्हा वो इफेक्ट्स रखता है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। सर ने बताया अगर ये गिलास हम खुद लेना चाहते हैं, पानी पीना चाहते हैं, तो हमें ये फील करना चाहिए कि ये गिलास आधा भरा हुआ है और हमें अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी को सर्व करना चाह रहे हैं, हम किसी की खिदमत करना चाह रहे हैं, हम किसी का हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर हमें ये जहन में होना चाहिए कि ये गिलास आधा खाली है, हमें इससे बढ़कर इसकी जो है वो हेल्प करनी चाहिए, इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसको पता लगाना चाहिए। इसी तरह आज जो मैंने चीज़ें देखी बच्चों की तकारीफ सुनी, जो आज मैंने तकारीफ सुनी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चों के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस है, बच्चों के अंदर अपने हकूक को लेने के लिए और क्या उनका हक है एटलीस्ट उनको इतनी अवेयरनेस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो ज़्यादा करें के दरमियान चीज़ सुनने में आई वो ये थी कि हमारी माशी हालत, ठीक है, कि हमारी माशी हालत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इखलाकियात जो है वो फंसे पड़ता बढ़ जाती हैं। अब इन दोनों चीज़ों को लेके हमारे माशरे के अंदर, हमारे अंदर, इवन यहाँ पे बैठे हर फर्द के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लागू होती हैं, ठीक है। अब आज़ादी की अगर हम बात करें तो आज़ादी जस्ट ये आज़ादी नहीं है कि जी हमारा मुल्क आज़ाद हो, आज़ादी सिर्फ ये आज़ादी नहीं है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो आज़ाद हों। जिस आज़ादी की हम बात कर रहे हैं कि जी हमारा कश्मीर अलग होना चाहिए या पाकिस्तान के साथ होना चाहिए, ठीक है, वो आज़ादी हुक्मरानों की आज़ादी है, हमारी आज़ादी नहीं है, ठीक है। वो हुक्मरान आज़ाद होंगे, वो अपनी हमारा को इंजॉय करेंगे, ज़्यादा पीसफुली वो रह सकेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी आज़ादी है, हमारी आज़ादी ये है कि हमने ज़िंदगी के हर हिस्से के अंदर, हर पार्ट के अंदर हमने इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, हमने किसी का मुखार नहीं होना, ये भी बेसिकली एक आज़ादी है। इसी तरह मईशत को लेकर अगर हम बात करते हैं कि जी मईशत हमारी स्ट्रॉन्ग है, अब मईशत स्ट्रॉन्ग होना, अगर हम ये कहें कि हुक्मरान आके कोई यहाँ पे आके हमारी मईशत को स्ट्रॉन्ग करेगा तो वो नहीं करेगा, उसे अपने मामला से फुर्सत नहीं है, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि कश्मीर से आके या सऊदी अरब से आके या किसी भी और एक्स वाई ज़ेड कंट्री से आके कोई बंदा हमारे हालात बेहतर करेगा या हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा तो ये गलत है, कोई भी किसी के लिए वो नहीं करेगा, हमें खुद ही करना है। बात अगर हम करते हैं मोहम्मद बिन कासिम की या सलाहुद्दीन अयूबी की, तो वो मुमकिन है कि उससे अच्छे किरदार यहाँ पे हमारे हाल के अंदर बैठे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ उनको पहचानने की ज़रूरत है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवेयर करने की ज़रूरत है कि हमारे जिम्मे काम क्या है,
मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने 2004 में अपने करियर का स्टार्ट किया था जब मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था, ठीक है। 7th क्लास के स्टूडेंट में मैं डिफरेंट जगह पे जॉब क्लास करने के लिए गया, मुझे जॉब ना मिल सकी ड्यू टू इनसफिशिएंट एजुकेशन। मैंने कहा जहाँ पे भी जाएंगे अगर आपने लेबर का भी काम करना है तो आपको एटलीस्ट मैट्रिक होना चाहिए, कोई जॉब ना मिली। मैंने अपने फ्यूचर का 2004 में जनवरी के अंदर एज ए स्वीपर कैरियर अपना स्टार्ट किया, ठीक है। एज ए स्वीपर कैरियर स्टार्ट करने के बाद मैंने इसको ग्रो किया, अल्लाह ताला ने वक्त बदला। क्या था, एक जिंदगी का एम था, एक मकसद था, अल्लाह ताला ने आज अल्हम्दुलिल्लाह वालदैन की दुआओं के साथ, उसादा की तरबियत के साथ, उनकी एजुकेशन के साथ, सारे मामला के बाद अल्लाह ताला की मेहरबानी और कुछ हद तक हमारी दोस्तों की टीम वर्क की स्ट्रगल के बाद आज हमने पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया हुआ है। और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह 500+ खानदान है जो हमारे साथ अटैच है, जो अल्लाह ताला के करम के सबके अपना भी रिजल्ट दे रहे हैं और हमें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं ये बात करूं कि मैं जैसे मैंने बात की कि मैं अगर ये सोचूं कि मैं वहां पे बैठा हूं, मेरी जरूरियात पूरी हो रही है, ठीक है, और मुझे कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं और ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को हेल्प आउट करूंगा तो मेरा कुछ ऐसा होगा। हमें सबसे पहले अल्लाह ताला के अंदर ये यकीन होना चाहिए कि हर इंसान का राज़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, जो मामला होता है वो उम्र रफ़ी होता है। हमारी सोच अगर हम ये सोचते हैं कि हम किसी को हेल्प आउट करेंगे तो शायद हमारा कैपिटल कम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको अगर अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बताऊँ तो जब तक मैं खुद जॉब करता था या इनफैक्ट बिजनेस भी करता था तो मैं एक मोटरसाइकिल की हालत में महदूद था। मैंने लोगों को साथ अटैच करना शुरू किया, आज अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुनिया की हर एक सी गाड़ी दी हुई है, ठीक है। हमने टीमवर्क किया है, हमने लोगों को ऐड किया है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। अब उसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला जो है वो उसमें बरकत डाल देती है। इसी तरह हम अगर 2-4-5 दोस्त या यहाँ कुछ सारे एक ही क्लास से नहीं है, कुछ मीडियम है, कुछ हाई क्लास से है, कुछ बिलो द लाइन होंगे। अब हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है कि हमारे पास अगर एक रोटी है, शाका में सब कहते हैं कि मेरी वालदा मुझे 2 रोटियाँ देती थी और वो कहते थे बेटा एक आपने पूरा नहीं और एक आपने अपने किसी क्लास फेलो को दे दिया। आज अगर हम यहाँ पे बैठे हुए ये तहिया कर देते हैं कि हमने आज के बाद अपने सराउंडिंग्स में ख्याल रखना है एक दूसरे का, ठीक है। अगर हमारे पास आधी रोटी है तो हमारी ख्वाहिश भी होनी चाहिए कि इसमें से भले एक रुपया हम किसी को दें, ठीक है, वो हमने किसी को दे दें। और आप बिलीव करें कि आप ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देखें, अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा कि आपको किसी हुक्मरान के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला आपको अपनी जात के अंदर इतना नवाज देगा कि आप बहुत सारे लोगों के लिए वसीला बनेंगे। लेकिन सिर्फ क्या है, एक स्टेप लेने के लिए, स्टेप भले वो कोई छोटा भी हो। आज अगर हमने ज्यादा करते हैं ना कि हमने कोई भी चीज़, कोई भी काम हम करें उसके लिए मुश्किल बताने बहुत जरूरी है। आज अगर हम यहाँ पे हाथ में बैठे हुए कुछ एक दो लोग ये इरादा करते हैं कि आज के बाद मैं पानी अगर पीऊंगा तो बैठ के पीऊंगा, ठीक है, ये कामयाबी का एक राज है। मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था कि अगर आप गिलास पानी का तहिया करते हैं कि मैंने बैठ के पीना तो आप बैठ के ही पिए, जिस दिन आपने खड़े होकर पानी का गिलास पी लिया उस दिन समझे कि आप कामयाब नहीं है, क्योंकि आपके अंदर मुश्किल मिजाजी नहीं है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं अगर अपने बिजनेस की भी बात करूँ तो मैंने जब खुद इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैंने जस्ट 12,000 से स्टार्ट किया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पर डे मिलियंस में ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ किस वजह से है कि इरादे से अगर हम ये सोचते रहे कि कोई कुरान आके हमें फैसिलिटेट करेगा, कोई बाहर से जो है वो बंदा आएगा और हमें इस चीज़ के ऊपर लेके आएगा कि मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमने खुद जो है वो फर्स्ट स्टेप लेना है, उसके बाद अल्लाह ताला रास्ता भी खोलेगा और इंशाल्लाह ताला हमें लोगों को ही टीम भी बनाएगा। हम आज इरादा करें कि हमें एक बात जरूरत है इस चीज़ की कि हमारे में से अगर यहाँ पे 30-40-50 मेंबर मेरे पास से बैठे हुए हैं तो उनमें से कोई एक डिसीजन कर ले, लाइक मैंने डिसीजन लिया, अल्लाह पाक अपनी जिंदगी में बरकत दे, अल्लाह पाक कोई असल में कामयाब करे, ये सारा कुछ इन्हीं की मनोने। अगर ये इन्होंने एक स्टेप ले के इरादा किया है, जैसे
करना है, अपने लिए करना है, अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए करना है, तो बिलीव में कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप यहाँ से आप जा सकते हैं, आपको मेरा यकीन ये है कि बाहर जाने से पहले अल्लाह ताला आपको मसाइल पैदा कर देगा, ठीक है, कि आप इसको ले आओ आगे लेके जाए। दूसरी एक चीज छोटी सी और, कि हम ये देखते हैं कि जी जन्नत जो है वो बड़ी मुश्किल है और उसके लिए जो है वो अमल उस तरह के होने चाहिए, नमाज होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, ये मामला होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि दीन जो है ना सिर्फ और सिर्फ इबादत नहीं है, इबादत के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया हुआ है। हमारे इंसान की ये शुरुआत होने की जो बेसिक एक रीज़न है, जो मैं समझता हूँ माइट भी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि वो ये है कि हमें हकूमत इबादत के ऊपर जोर दिया गया, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया एक दूसरे का सीधा बनाने के लिए, ठीक है, कि हम एक दूसरे का। मैं अगर आपको अपनी लाइफ में एक और चीज़ डिस्कस करूँ, तो मैं एक जगह पर जॉब करता रहा, डेढ़ साल मैंने एक जगह पर जॉब की और डेढ़ साल बाद में एक दिन गुजरते हुए मेरी बाइक बंद हुई और मैंने राइट साइड में देखा तो सर्दियाँ थी, अभी उनकी फोक थी, एक बुजुर्ग जो है वो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग वहाँ पे बैठे हुए हैं और साहब उनके पास एक बंदा आया साथ दिया, उनको जब रिकॉर्ड करता था वो बंदा आया, एक इंसान उसके हाथ उठवा रहा है और दूसरा इंसान उसको नाश्ता लेके नाश्ता रख के उसको नाश्ता करा रहा है, ठीक है। तो मैंने उस दिन अल्लाह तआला ने मेरे जहन में बात ये डाली कि हम लोग, मैं एक साल से डेढ़ साल से यहाँ से गुजर रहा हूँ, ठीक है, मैंने आज तक इसके ऊपर फोकस नहीं किया, मैंने अपने इर्द गिर्द नहीं देखा, और ये देखें कि शायद ये दो बंदे जो इसे सर्व कर रहे हैं, जो इसे खाना खिला रहे हैं, नाश्ता ला के दे रहे हैं, शायद इनकी जन्नत यहीं पे है, ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द देखने की ज़रूरत है, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मौके हैं, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि जो हमें अशरफ मखलूकात होने का जो है वो हक भी अदा कर सकते हैं, हमें दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। आज यहाँ पे बैठे अगर हम सिर्फ दो दोस्त या तीन दोस्त भी हम मिल के तहैया कर लेते हैं, तो बिलीव करें कि हमें किसी की भी मोहताजी की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी इंडस्ट्री में जाएंगे। मैं आपको खूब भी मेरी इंडस्ट्री सिर्फ इसलिए नहीं कि यार मैं यहाँ पे आऊँ, मैं इंशाल्लाह मुझे 10 दफ़ा भी बुलाएंगे मैं 10 दफ़ा भी बुलाऊँ, और जहाँ पे आपको जो है वो मेरी फेवर की जरूरत होगी मैं इंशाल्लाह फेवर दूंगा। मैं ही चाहता हूँ कि हम सारे भाई मिल के, ठीक है, हम खुद यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, हम खुद बिजनेस जनरेट करेंगे, हम किसी की मोहताजी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें खुद मुख्तार पैदा किया, हमने खुद मुख्तार रहना है, ठीक है, राजी अल्लाह ताला की जात है, कोशिश करना हमारा हमारा फर्ज है, हम स्ट्रगल करेंगे। आप यहाँ से आज इरादा करें, हम किसी हुक्मरान का मुंह नहीं देखेंगे, किसी हम को भी लीडर का मुंह नहीं देखेंगे, खुद में हम इंडिपेंडेंट बात हुई है कि हम पहले टीम बनेंगे, हम खुद ग्रोथ करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जी हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें बात जैसे सर ने भी की कि जी आज़ादी हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम कौम बने, कौम हम किस तरह बनेंगे कि हम जब दूसरों की तरफ देखना छोड़ दें। हमारे अंदर अगर एक चीज की मेरिटी है ना, अब लाइक एजुकेशन के अंदर बात होती है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी को डेवलप करने के लिए। मेरे साथ एक दफा सफर में एक टीचर थे, तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या सर आप क्या करते हैं, ट्रैवलिंग हो रही थी, मुझे कहते हैं आप मुझे बताएं कि आप क्या असेस करते हैं, मैं कैसा देख रहा हूँ आपके टीचर हैं, उनसे कन्वर्सेशन शुरू होगी। मुझे कहते हैं हमारे टीचर थे वहाँ पे मरी हुई थी, कहते हो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे उनके फैमिली सारी बाहर होती है, तो हमने उन्होंने कहा कि सर माशाल्लाह आपके माली मामला जो है ठीक है सर, मामला तो आप ये बुढ़ापे में ये काम कर रहे हैं तो आप ये छोड़ दें क्यों कर रहे हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कहते उन्होंने मुझे एक जवाब दिया जिससे मैं बड़ा मुमिन हुआ, वो ये उन्होंने मुझे कहा कि इस पेशे से एजुकेशन से टीचिंग से मुझे वो चीज़ मिलती है कि जो करोड़ों अरबों में भी नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि वो क्या, उन्होंने कहा जब मैं गली से गुजरता हूँ ना तो गली की मासूमियत मुझे सलाम करती है, ठीक है, ये एक टीचर का होता है, ठीक है, वो बच्चा जिसको ये नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है सियासत क्या है हुक्मरान क्या है अवामी लीडर क्या है रोटी क्या है गंदम क्या है सफर क्या है कश्मीर कहाँ पे मुजफ्फरबाद कहाँ पे मीरपुर, उसे किसी चीज़ का नहीं पता, उसे सिर्फ एक चीज़ का पता है कि ये टीचर है और वो उसकी रिस्पेक्ट करता है और वो उसको सलाम करता है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रुतबा है एक टीचर के लिए, ठीक है। तो कौन का मौसम होता है उस्ताद, उस्ताद हमारे साथ बेशुमार यहाँ पे बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक इनको इस्तकामत दे, ठीक है, हमारी हमें सिर्फ और सिर्फ
लेके आना, दूसरों को उसकी फैसिलिटी देनी है। बारहा मैं यही कहूँगा कि आप इस स्टेप को करके देखिए, जब आप किसी को साथ छोड़ेंगे अल्लाह ताला इतनी बरकत डालेगा कि आप लोगों से संभाली नहीं जाएगी। मैं लाहौर में बैठा बिजनेस करता, इस्लामाबाद में शुरू किया, कश्मीर में शुरू करने का इरादा है, क्योंकि हम कल के काफी हद तक ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जब अकेला जॉब करता था तो बमुश्किल अपनी बुनियादी जरूरियात को मेट कर पाता था, कुछ लोगों को डांस किया अलग अलग डांस सीखा दी। अब जैसे जैसे लोग ऐड ऑन होता जा रहे हैं और आज मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं मजीद बिजनेस क्या करूँ, मैं मजीद लोगों को कैसे अटैच करूँ। तो यही आप सबसे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं यही कहूँगा, मैं हर वक्त हर दम आप किसी भी टाइम रात के 3 बजे भी मुझे महा ग्रुप ऑफ कंपनीज को, ये मेरे मोहसिन है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, उसामा भाई हैं, ठीक है, इज़्ज़त भाई हैं, ये हमें यहाँ पे कश्मीर में लाने वाले, मुझे इनफैक्ट महा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कश्मीर में लाने वाले, इनको इंट्रोड्यूस करवाने वाले, ये नाम तो शायद ये मैं आज यहाँ पे ना होता। तो ये भाई यहाँ पे